जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस JKNC और कांग्रेस गठबंधन को जनादेश मिला है। JKNC के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बनेंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि दिल्ली और हमारे बीच एक अंतर है। दिल्ली कभी पूर्ण राज्य नहीं थी और किसी ने इसे राज्य बनाने का कभी वादा नहीं किया था। 2019 के पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था और राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा हमसे किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत BJP के कई सीनियर नेताओं ने इसका वादा किया है और बार बार कहा है कि जम्मू कश्मीर में 3 कदम उठाए जाएंगे, परिसीमन, चुनाव और फिर राज्य का दर्जा। परिसीमन और चुनाव हो गए हैं, अब राज्य का दर्जा बाकी है। यहां सरकार बनने के बाद मुझे उम्मीद है कि कैबिनेट का पहला फैसला राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव पारित करना होगा और प्रस्ताव PM मोदी को भेजा जाएगा। बड़गाम और गेंदरबल में से कौन सी सीट छोड़ेंगे, इस पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं दोनों सीटें नहीं रख सकता, मुझे एक सीट छोड़नी होगी। मैं अपने सहयोगियों से चर्चा करूंगा और जो निर्णय होगा उसके बारे में आपको बताऊंगा। अब्दुल्ला ने कहा कि कुछ महीने पहले जब बारामूला के नतीजे आ रहे थे तो मैं शुरुआत में आगे चल रहा था, लेकिन आधे घंटे में ये बदल गया और अंतर बढ़ता गया। मैंने हमेशा कहा है कि एग्जिट पोल समय की बर्बादी है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 5 मनोनीत विधायकों पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं उन्हें सुझाव दूंगा कि वो ऐसा ना करें। इन 5 को मनोनीत करने से सरकार नहीं बदलेगी तो इसका क्या फायदा है? आप अनावश्यक रूप से विपक्ष में बैठने के लिए 5 लोगों को मनोनीत करेंगे। लड़ाई होगी क्योंकि हमें फिर सुप्रीम कोर्ट जाना होगा और इसके खिलाफ अपील करनी होगी। सरकार बनने दे, उन्हें सुझाव देने दे और उसके आधार पर LG को मनोनीत करना चाहिए। ये 5 विधायक कोई बदलाव नहीं लाएंगे। निर्दलीय उम्मीदवार हमसे बात कर रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे ताकि हमारी बढ़त बढ़ जाए। JKNC कांग्रेस गठबंधन की चुनावी जीत के बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर के मतदाताओं का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल किया। पिछले 8 से 10 वर्षों से यहां लोकतंत्र को पनपने नहीं दिया गया था। JKNC कांग्रेस गठबंधन को बहुमत मिला, मतदाताओं ने सोच समझकर मतदान किया, खासकर उन इलाकों में जहां निर्दलीय उम्मीदवार और छोटी पार्टियों के जरिए वोटों को बांटने की साजिशें रची जा रही थी। हमारी जिम्मेदारी अब शुरू होती है। मतदाताओं ने अपना कर्तव्य निभाया है, अब हमारा कर्तव्य है कि हम काम करें और मतदाताओं की उम्मीदों पर खरे उतरें। आपको बता दें, चुनाव से पहले उमर ने आरोप लगाते हुए कहा भाजपा कश्मीर से अधिक निर्दलीय उम्मीदवारों को जिताने की कोशिश कर रही है ताकि सरकार बनाने में वो उनकी मदद ले सके। कहा जब परिणाम घोषित होंगे तो ना ही भाजपा और ना ही उनकी चालें सफल होंगी। उन्होंने कहा कि ये देखना बाकी है कि निर्दलीय उम्मीदवारों का एजेंडा क्या है, वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्या हासिल करना चाहते हैं। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें समय डिजिटल।